नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं एमपीसीटी 24 न्यूज़ एक्सप्रेस। बढ़ते हैं आज की नई और ताजा खबरों की ओर। विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में बाइक से होगा भ्रमण। भाजपा कार्यकर्ताओं ने लांजी किले में किया पौधारोपण। विधानसभा क्षेत्र के टिकट वितरण का भाजपा के भीतर जमकर विरोध हो रहा है। बाहरी को प्रत्याशी बनाए जाने पर सड़क पर उतर कर कार्यकर्ताओं का रोष देखा जा रहा है। इसी बीच लांजी में दूर हटो टोपी वालों, भाजपा हमारा है, दल बदल लोगों को हटाओ, भाजपा बचाओ जैसे अनेकों नारे गूंज रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता सीधे तौर पर पूर्व विधायक रमेश भटेरे के समर्थन में हैं और उन्हें टिकट दिए जाने की मांग शीर्ष नेतृत्व से लगातार हो रही है। विरोध की इसी कड़ी में आज 17 सितंबर को भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में धर्मनगरी लांजी के किले में इकट्ठे होकर पौधारोपण किया और शांतिपूर्वक संगठन को प्रत्याशी बदलने के लिए अपनी मंशा जाहिर करते हुए अपना विरोध जताया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कहा कि आगामी 20 सितंबर को लांजी से भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ता टिकट परिवर्तन यात्रा करने जा रहे हैं, जिसमें कार्यकर्ताओं द्वारा विधानसभा के गांव-गांव में बाइक से पहुंचकर रमेश भटेरे को प्रत्याशी बनाए जाने की आवाज बुलंद की जाएगी। जिला भाजपा कार्यालय के समक्ष होगा प्रदर्शन। भारतीय जनता युवा मोर्चा लांजी किरनापुर विधानसभा के तत्वाधान में भाजपा को बचाने और टिकट परिवर्तन को लेकर हर बूथ से युवा मोर्चा के कार्यकर्ता निकलकर बाइक रैली करेंगे। 20 सितंबर को प्रातः 9 बजे लांजी मुख्यालय से इसकी शुरुआत होगी। लगभग 1500 बाइक इस परिवर्तन यात्रा में रहने की बात कही जा रही है। कार्यकर्ताओं द्वारा विशाल रैली के माध्यम से बालाघाट भाजपा कार्यालय पहुंचकर धरना और प्रदर्शन कर बाहरी प्रत्याशी को टिकट दिए जाने के विरोध किया जाएगा। विधानसभा के सभी मंडल के युवा मोर्चा के साथी एवं बूथ कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर तथा एकजुट रहकर युवा आक्रोश रैली को सफल बनाने के लिए बैठकें भी की गई है। एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। किस संबंध में आज सभी एकत्रित हुए, क्या कार्यक्रम की रूपरेखा है? कार्यक्रम की रूपरेखा यह है, आज हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, उस उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ पर सभी मंडल के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित हैं और उनके इसमें जो है जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे लांजी करनापुर विधानसभा क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट में जो नाम घोषित हुआ है विधानसभा प्रत्याशी का, उसके विरोध में यहाँ पर कार्यकर्ताओं में बहुत ज़बरदस्त आक्रोश है। तो उस संबंध में हमारे जो चार मंडल हैं, भाडरा मंडल, भानेगांव मंडल, लांजी मंडल और किरनापुर मंडल, तो किरनापुर मंडल और चारों मंडलों में जो है कार्यकर्ताओं ने बैठक लिए हैं कि जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का लगभग 15 साल से कार्यकर्ता नहीं था, 6 महीने से आप पार्टी का सदस्य था, प्रत्याशी था, क्षेत्र में उसका प्रचार प्रसार चालू था, तो कार्यकर्ताओं की जनभावनाओं के खिलाफ हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो यहाँ पर उसको प्रत्याशी बनाया है, उसके विरोध में हम बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो है हम अपने नेतृत्व को पहुँचाना चाहते हैं। और 20 तारीख को जो है लांजी मंडल, भाडरा मंडल, भानेगांव मंडल और किरनापुर मंडल से लगभग 1200 बाइक के माध्यम से जो है यहाँ से एक रैली निकाली जाएंगी। और ये रैली जो है स्वयं कार्यकर्ताओं ने अपने आत्मविश्वास के आधार पर अपने स्वयं के खर्चे से, और हम किसी की मांग नहीं कर रहे हैं और अपनी बात को जो है यहाँ से ऊपर तक पहुँचा रहे हैं कि जो गलत टिकट का वितरण किया गया है कार्यकर्ताओं के भावनाओं के खिलाफ, क्षेत्र की भावनाओं के खिलाफ, आम जनमानस की भावनाओं के खिलाफ, तो वो टिकट में जो है वो संशोधन करें, बस यही निवेदन करने के लिए हम यहाँ से जो है रैली के माध्यम से बालाघाट कार्यालय पहुँचेंगे। भैया युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष, लगभग 20 तारीख 20/9/2023 की तैयारियाँ युवा मोर्चा के द्वारा पूर्णतः कर ली गई है और ये जो रैली है कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए बिल्कुल भी नहीं है ना, ये कार्यकर्ताओं के लिए। हमारा जो कार्यकर्ता है लगभग गर्मी हो, बरसात हो, ठंड हो, निरंतर कार्य करते जाता है और इसमें शीर्ष नेतृत्व के द्वारा थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी गई है। हमें ऐसा लग रहा है कि कम से कम इस कार्यकर्ताओं को तो देखना तो चाहिए उन्हें कि
जो आपने निर्णय लिया है ये गलत लिया है और हम ही चाहते हैं कि जल्द से जल्द टिकट वापस हो। मैं निहल तुमेश्वर गौतम, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल भानेगांव। युवा मोर्चा की तैयारी ये है कि दिनांक 20 तारीख नवा महीना 2023 को हम युवा मोर्चा की तरफ से लांजी करनापुर विधानसभा के समस्त चारों मंडल के अध्यक्ष और तमाम भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवा कार्यकर्ताओं के साथ दिनांक 20 तारीख को दादा कोटेश्वर लांजी की भूमि से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बालाघाट पहुंचकर युवा मोर्चा की रैली के माध्यम से हम ज्ञापन देने वाले हैं। ज्ञापन केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के तमाम नेताओं को रहेगा और कार्यकर्ताओं की मंशानुसार जो लांजी किदनापुर क्षेत्र के विधानसभा प्रत्याशी को लेकर के जो पार्टी द्वारा चयन किया गया वो सरासर गलत है। ज्ञापन के माध्यम से हम युवा मोर्चे की तरफ से आक्रोश रैली कर करके पार्टी नेतृत्व को हम समझाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। क्या उद्देश्य लेके हमारा उद्देश्य ये है कि पार्टी हमारी माँ जैसी है, हम जैसे ग्रामीण स्तर पर और बूथ स्तर पर तमाम बूथों पर कार्य करने वाला कार्यकर्ता उसका बेटा और पुत्र संतान जैसे है। हम अपनी माँ से सिर्फ एक ही उम्मीद रखते हैं कि वह लांजी किरनापुर क्षेत्र का उम्मीदवार सम्मान्य रमेश भट्टरी जी को बनाए जो पिछले 10 वर्षों से 15 वर्षों से निरंतर प्रयासरत और कार्य कर रहे हैं। मंडल महामंत्री भानेगांव मंडल, आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं ताकि आने वाले 20 तारीख को जो बाइक रैली का आयोजन किया गया है युवा मोर्चा की ओर से, उसके तैयारी के लिए सब एकत्रित हुए हैं। हम लोग 20 तारीख को लांजी से वाहन रैली निकालेंगे और जिसका समापन जाकर बालाघाट कार्यालय में होगा। हम उस दिन प्रदेश संगठन और केंद्रीय चुनाव समिति के संगठन से ये अपनी मांग रखेंगे कि जो टिकट वितरण किया गया है लांजी 109 में उसको बदला जाए, क्योंकि बूथ क्रमांक 1 से 294 कसंगी तक बूथ का कोई भी कार्यकर्ता, बूथ का कोई भी अध्यक्ष जिस उम्मीदवार के साथ होना चाहिए था उसके साथ कोई भी नहीं है जिसको पार्टी ने टिकट दी। पार्टी को टिकट देना चाहिए था जिसने 10 सालों तक संगठन को खड़ा किया, जिनने मेहनत किया और इस पोजीशन में पहुंचाया था कि इस विधानसभा को जीत सके, लेकिन ऐसे प्रत्याशी को टिकट दे दी गई है जिसके साथ अभी एक भी बूथ अध्यक्ष तक नहीं है। तो हमारी मांग रहेगी प्रदेश संगठन से कि टिकट को तुरंत बदला जाए और माननीय रमेश भट्टेरे को टिकट को दिया जाए। मैं आलोक चौरसिया, भाजपा मंडल अध्यक्ष लांजी। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, उस उपलक्ष्य में भाजपा मंडल लांजी के सभी 84 बूथों से कार्यकर्ताओं के द्वारा आज लांजी किले में वृक्षारोपण किया गया। भाजपा मंडल लांजी की तरफ से सम्माननीय मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और निरंतर देश को परम वैभव दिलाने के लिए कार्य कर रहे हैं, हम सब भी उनके साथ हैं। जैसा कि वर्तमान परिस्थिति आज निर्मित हुई है, हम सभी कार्यकर्ताओं के सामने एक कठिन समस्या है, कठिन दौर से हम सब गुजर रहे हैं। चूंकि यह पहली बार हुआ है कि केंद्रीय नेतृत्व द्वारा 2 महीने पूर्व ही प्रत्याशी का चयन कर लिया गया, चूंकि हम निरंतर बूथ हमारे पास 294 बूथ हैं, हम कसंगी के एक नंबर बूथ से लेके कट्टी पार के 294 बूथ तक हम निरंतर पार्टी नेतृत्व के दिशा निर्देशानुसार बूथ अध्यक्ष, बीएलए महामंत्री और पन्ना प्रमोतक की तैयारी में लगे हुए थे और अचानक इस तरीके का निर्णय निश्चित ही कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करता है। यह एक मान सम्मान की लड़ाई है, हम शांतिपूर्वक सभी लोग जिला नेतृत्व, जिला संगठन के सामने हम लोग बाइक के माध्यम से पहुंचेंगे और शांतिपूर्वक हम अपनी बात उन तक पहुँचाएँ ताकि वो हमारी जो बात है प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व तक पहुँचा रहे। मिलते हैं अगली बार नई और ताजा खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ MPCG 24 न्यूज एक्सप्रेस में। तब तक के लिए नमस्कार।